तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो झील का सीन है कुछ इस प्रकार लिया गया, जैसे ये भाई लोग बैठे हुए हैं। तो ये गाने के सबसे शुरू में सीन आता है दोस्तों, और इसके बाद में नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के नैनीताल। यहां पर हुई थी सिर्फ तुम फिल्म की शूटिंग, जो कि 1999 में आई थी। संजय कपूर और प्रिया गिल की बहुत ही सुपरहिट मूवी गई थी ये उस ज़माने की। तो अभी हम उसका जो यहाँ पर एक गाना शूट हुआ था पहली पहली बार मोहब्बत की है, तो उसकी लोकेशन दिखाने वाले हैं आपको। और इसके पहले एक हमने लोकेशन दिखाई है चांद के पार फिल्म की लोकेशन। अगर अभी आप तक आपने हमारी लोकेशन वो नहीं देखी है तो वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा हमारा। तो चलते हैं बैक कैमरे पर और दिखाते हैं आपको यहाँ की जितनी भी लोकेशन है इस गाने की। तो चलिए, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जो इस गाने का फर्स्ट सीन है वहां पर हम पहुंच चुके हैं। तो सीन कुछ यहां पर लिया गया है, जो कि प्रिया गिल जी यहां पर बैठकर गाना गाती हैं। तो अभी हम थिम्बल यहां पर लगा दिए हैं और आप थिम्बल में मैच करके देख सकते हैं। ये जो पेड़ है ये भी आ रहा है, और जो ये लाइटिंग है सुबह की जो पानी में दिखाई दे रही है आपको झील में, तो ये भी आ रही है थिम्बल में। तो दोस्तों ये सीन पहला सीन जो है यहाँ पर लिया गया है, और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। और अभी हम चल के दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, और उसके बाद में दूसरा सीन दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये देख पा रहे होंगे डिज़ाइनें, और यहाँ पर ही प्रिया गिल जी प्रॉपर बैठी होती हैं यहाँ पर। और इसका नज़ारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों, देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर पहाड़ों का नज़ारा, वादियों का नज़ारा है। और ये देख पा रहे होंगे इस पे जो वोट वोट हैं बहुत ही हैं, और वोट अगर यहाँ पर आप वोटिंग करना चाहते हैं तो 250 रुपये लगता है यहाँ पर वोटिंग करने का, दो लोगों का, दो से चार लोगों का। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और पीछे का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। तो पीछे का देख पा रहे होंगे आप नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और उसके बाद में एक सीन और यहाँ पर लिया गया है, वहाँ पर चल के हम आपको दिखाते हैं दूसरा सीन। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद का जो दूसरा सीन है वो यहाँ पर लिया गया है, जो कि प्रिया गिल जी इस खम्भे के बगल में बैठी होती हैं। और अभी काफ़ी कुछ बदल चुका है यहाँ पर, यहाँ पर पेड़ भी आ गया है, और ये डिज़ाइन ये अभी भी वैसी की वैसी हैं। तो अभी थिम्बल हमने लगा दिया था पहले ही, आप उसमें मैच करके देख सकते हैं। तो प्रॉपर ये सीन यहाँ पर का है, और आप पानी में देख पा रहे होंगे उधर नाव जो थिम्बल में दिख रही हैं, वो नाव भी यहाँ चल रही हैं। तो दोस्तों वो सीन यहीं पर का था, प्रॉपर ये सीन यहाँ पर था। और इसके बाद में एक सीन अंदर का है जो झील का है, वहाँ पर चल के हम दिखाते हैं दूसरा सीन जो कि झील का है अंदर पानी में। तो चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो झील का सीन है कुछ इस प्रकार लिया गया, जैसे ये भाई लोग बैठे हुए हैं नाव पे, तो ऐसे ही लिया गया है वो सीन। अगर हमने थिम्बल लगा दिया आप उसमें मैच करके देख सकते हैं। तो प्रॉपर ये गाने का सीन यहीं पर का लिया गया, और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ भी हैं इस झील में, जिसका नाम है नैनीताल झील, और नैना झील भी इसको कहते हैं यहाँ पर। तो देख पा रहे होंगे बहुत सारी मछलियाँ हैं, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ पर का। और एक और सीन लिया गया है जो कि गाने में शुरुआत में सबसे पहले लिया जाता है शुरू शुरू में, जो कि वादियों का सीन है। तो दोस्तों कुछ सीन इस प्रकार लिया गया, अभी हमने थिम्बल लगा दिया है यहाँ पर देख सकते हैं आप मैच करके। तो ये सीन इस वादी का लिया गया है इस प्रकार से। तो ये गाने के सबसे शुरू में सीन आता है दोस्तों, और इसके बाद में जो बगल में सीन लिया गया है यहाँ पर इसका मस्जिद है, और यहाँ पर एक ये बना हुआ है घंटा घर के तरीके से। तो वहाँ पर चल के हम आपको दिखाते हैं वो वाला सीन। तो चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं आपको दोस्तों। इस गाने का जो लास्ट सीन है वहाँ से लिया गया है, और वहाँ पे अभी सड़क बन चुकी, काफ़ी कुछ बदल चुका है। बाकी आप थिम्बल में मैच करके देख सकते हैं कि ये जो पेड़ हैं उनके जो डाली है वो थिम्बल में आ रही है। और उसके बाद में जो सीन है तो इधर से लिया गया है सीन, तो ये पूरा पार्क टाइप में बना हुआ है यहाँ पर। और जो प्रिया गिल जी हैं उधर से गाना गाते हुए इधर को आती हैं, तो वो सीन प्रॉपर यहाँ पर का लिया गया है दोस्तों। तो इसके बाद में जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है वहाँ से 35 किलोमीटर दूर आए हैं पहाड़ों पे ही चल के। और उसके बाद में जो आपने फिल्म में एक सीन देखा होगा जो कि नैना देवी का मंदिर है, तो दोस्तों नैना देवी का मंदिर उस पहाड़ पे है अभी हमको यहाँ से पता चला है। तो अभी हम झूम करके कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा है घर, ये नैना देवी का मंदिर है। हमारा फ़ोन सही नहीं है इस वजह से नहीं आ रहा है दिखने में, बाकी हम अपनी आंखों से लाइव देख रहे हैं दोस्तों। तो ये
मंदिर है और यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं हम। काफ़ी ऊंचाई पे है, अगर हम पहुँच पाएंगे तो वहाँ का सीन दिखाएंगे, वरना दोस्तों वहाँ का सीन हम नहीं दिखा पाएंगे। तो चलते हैं अगले सीन की तरफ। तो दोस्तों नैना देवी का जो मंदिर है अभी हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि वो कम से कम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है जैसा कि हमने पूछा तो बताया गया। और अभी आज ही हमको ट्रेन पकड़ना है 11:30 बजे काठगोदाम रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो और लोकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।